ये बनाए मैंने एकदम क्रंची टेस्टी दाल के छिलके के पराठे। ये लेफ्ट ओवर खिचड़ी के पराठे से एकदम अलग है, रेसिपी है बिल्कुल नई, लेकिन बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही इजी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मांडवी एंड आयु क्रिएशन। बहुत सारे होल ग्रेन्स होते हैं जिसमें से एक उड़द और मूंग भी है। तो जब हम इन साबुत उड़द और मूंग से दाल बनाते हैं और दाल बनाने के बाद इनको स्टैंड किया जाता है, तो स्टैंड करने के टाइम में जो ये बिल्कुल बारीक सा पाउडर जैसा बच जाता है, जिसमें बिल्कुल छोटी छोटी सी दाल होती है, मोस्ट ऑफ पाउडर बन जाता है और काफ़ी सारे छिलके होते हैं, इसको दाल बनाने के बाद फेंक दिया जाता है। लेकिन इसमें काफ़ी फाइबर होता है, तो आज हम इसी का एक टेस्टी हेल्दी पराठा बनाना आपको सिखाएंगे। बच्चों को खाने में हमेशा कुछ नया चाहिए और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों के खाने में नया तो हो ही लेकिन वो हेल्दी भी हो। तो चलिए आप इस हेल्दी टेस्टी पराठे की रेसिपी को ट्राई कीजिए। इसको राजस्थान में कोरमा के पराठे कहा जाता है, तो आप चाहे तो इसको दाल के छिलके के पराठे और आप चाहे तो इसको कोरमा के पराठे भी कह सकते हैं। तो चलिए झटपट अब हम इसको बनाना सीख लेते हैं। पराठे बनाने के लिए हम एक चम्मच गरम मसाला, दो प्याज जिनको हम बिल्कुल बारीक कूट लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 8 से 10 लहसुन की कलियां, नमक स्वादानुसार और 2 चम्मच मिर्च पाउडर, 4 हरी मिर्च जिनको हम बारीक कूट लेंगे। हम एक बाउल कोरमा ले लेते हैं और एक बाउल कोरमा में हम 2 बाउल पानी डालेंगे, लेकिन पहले 1 बाउल पानी डाल देते हैं और 1 बाउल पानी डालने के बाद एक बार हम इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 बाउल पानी और डाल देते हैं और इसको दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने तक इसको 1 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। मैं 500 ग्राम आटे का यूज़ कर रही हूँ और जब आटे में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं तो आटा और भी ज़्यादा हो जाता है, और आप अपने अनुसार इसको थोड़ा कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और फाइनली अब हम इसमें लहसुन, प्याज और हरी मिर्च जिसको हमने बिल्कुल बारीक कूट लिया था वो इसमें डाल देते हैं। सबको डालने के बाद एक बार हम इनको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बार हाथों से भी इनको अच्छा मिक्स करके आटा लगाना स्टार्ट कर लेंगे। अब जो हमने दाल का कोरमा भिगो के रखा था उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और उसी से एक सॉफ्ट डफ तैयार कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कोरमा डालते जाएंगे और आटा लगाते जाएंगे और जब लास्ट में सारा कोरमा ख़त्म होने के बाद हमें इसको आटे को सॉफ्ट करने के लिए थोड़े से पानी की ज़रूरत होगी, तो हम थोड़ा सा पानी का यूज़ करेंगे और पानी का यूज़ करने के बाद आटा एकदम सॉफ्ट तैयार हो जाएगा पराठे के लिए। आटा बिल्कुल सॉफ्ट लग के तैयार है, तो चलिए अब हम इसका पराठा बना लेते हैं। अब हम तवा गरम होने के लिए रख लेते हैं और जो हमारे पराठे का साइज होगा वो रोटी के जैसे ही होगा। इनको हमें रोटी की ही तरह सेकना है और आप अपनी पसंद से इस पर घी या तेल का यूज़ कर सकते हैं। घी या तेल का यूज़ करके आप इसको एकदम क्रंची कर लें और गर्मा गर्म ही आप इनको सर्व करें। इस तरीके से हम अपने सारे बचे हुए पराठे तैयार कर लेंगे।
आप इनको अचार, चटनी, सॉस किसी के भी साथ सर्व करें। ऐसे दाल के छिलके और पाउडर के पराठे आपने कभी नहीं खाए होंगे, तो तैयार है हमारे पराठे। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।